Hello friends, it is the educators. My name is Ketan Garg and we are with the Hindu plus PIB analysis 20th October 2017. ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स बनाने की चिंता मत करना, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, तो फाइल डाउनलोड कर लेना. और WhatsApp और Telegram ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको रेगुलरली जो है प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे. और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो. डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो या यूट्यूब पेज के डिस्कशन सेशन में भी आप जाकर वहाँ पर अपनी क्वेरीज जो है पोस्ट कर सकते हो. हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें. ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक कुछ मैं 9 प्रीलिम्स क्यूज रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ. ठीक है, और एडिशंस रहेंगी. मेरा टारगेट ये है कि आपके प्रीलिम्स 2018 तक कुछ हम मिनिमम 5000 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें. ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, तो आप लिंक से वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व रेगुलरली करें. तो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. सबसे पहले GS3 में देख लेते हैं अपने पास क्या है. ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है कि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो जैसे ही दिवाली का सीज़न आता है तो अपने पास इन्वायरमेंट कंसर्न्स जो हैं थोड़े से चालू हो जाते हैं. ठीक है ना, तो एयर क्वालिटी जो इस साल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. मतलब एयर क्वालिटी जो ख़राब हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हुई है. जबकि ये एस्टिमेशन है कि इस बार की दिवाली जो है वो काफ़ी क्वाइट रही है, क्योंकि कम पटाखे लोगों ने जलाए हैं. ठीक है, स्मोक एंड पोल्यूशंस टच टॉक्सिक हाई एज वेदर सिस्टम प्रिवेंट्स डिस्पर्सल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन सेवरल सिटीज़. अब क्या रीज़न है कि पटाखे कम चले हैं उसके बाद भी जो है पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हो गए हैं? उसका रीज़न है आपका वेदर सिस्टम. वेदर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई है कि आपकी जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा लो रही है. ठीक है, अगर आपकी हवाएं चलती रहती हैं तो रेगुलरली क्या होता है, आपकी एयर जो है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, जो पोल्यूशन वाली एयर होती है वो फटाफट से फ्लो करके चेंज होती रहती है और फ्रेश एयर आपकी सिटीज़ में आती रहती है. लेकिन बिकॉज जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और काफ़ी ज़्यादा स्टिल है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो मूव नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो अगर आप देखें पोल्यूशन चेक एयर क्वालिटी इंडेक्स इन की सिटीज़ ऑन दीपावली डेज एट 4 PM. ठीक है, तो अगर आप देखें 2016 में 431 तक पहुंच गया था दिल्ली में. ठीक है, 2017 में 319 था अभी भी, जबकि दीपावली वाला इसमें अभी कंसर्न नहीं है. दिवाली का सिर्फ 4 PM तक का है. रात को पटाखे ज़्यादा चलते हैं तो अगले दिन अपने पास और ज़्यादा इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, तो और ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं. वहीं अगर आप चेन्नई में देखें तो चेन्नई में भी काफ़ी ज़्यादा पीक कर गया. और चेन्नई में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो नॉर्थ इंडिया में है वो दिवाली बनाई जाएगी आपकी 19th of October को, लेकिन साउथ इंडिया में आपकी दिवाली बनाई जाती है 18th of October को. ठीक है, तो चेन्नई के ये अपने पास जो रिकॉर्ड्स हैं, अपने पास जो डाटा है बिल्कुल ऑथेंटिक है. तो काफ़ी ज़्यादा पीक कर गया है चेन्नई में भी. रीज़न वही है क्योंकि जो वेदर सिस्टम है, जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. ठीक है, बेंगलुरु में देखें तो अब काफ़ी लो रहता है. ठीक है, हैदराबाद, मुंबई में काफ़ी लो इस वजह से भी है क्योंकि आपका जो मुंबई है वहाँ पर ब्रीज सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली एयर को फिल्टर करता रहता है. ठीक है, इन चेन्नई, अब हम देखें अगर इन चेन्नई विच सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑन वेडनेसडे पोल्यूशन लेवल द फॉलोइंग इवनिंग इंच्ड अप टू दैट ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली तक, मतलब दिल्ली का जितना था पोल्यूशन लेवल रहता है दिवाली के टाइम में, चेन्नई का भी करीब करीब वहीं पहुँच गया. हमने यहाँ पर देखा था 302 के आसपास पहुँच गया था. ठीक है ना, अ सिटी वेयर स्मोक एंड पोल्यूशन टच टॉक्सिक हाइस ड्यूरिंग द सीजन. ठीक है, तो प्रॉब्लम इस साल क्या हुई है, प्रॉब्लम इस साल क्या ऐसी खास प्रॉब्लम हुई है. एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट वेदर कंडीशंस विच स्लोड द स्पीड ऑफ विंड्स इन द वे ऑफ बंगाल, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो स्पीड ऑफ विंड है वो काफ़ी ज़्यादा लो रही है, रिजल्टेड इन द हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स एनवेलपिंग चेन्नई. हैड इट नॉट बीन फॉर द डिप्रेशन ऑफ बे, ऑफिशियल सेड इट वुड हैव बीन द क्लीनेस्ट दीपावली. क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि दीपावली जो इस बार रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइटर रही है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम जो आपके फायर क्रैकर्स हैं उनको बंद किया गया. द डिप्रेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पुअर वेंटिलेशन और स्लोइंग डाउन ऑफ विंड्स दिस ईयर इन दिल्ली. ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर आपकी एयर क्वालिटी अच्छी रहती है, एयर स्पीड अच्छी रहती है, तो आपका कंटिन्यूसली वेंटिलेशन होता रहता है और इस साल वो चीज़ नहीं हो पाई है. फ्रेंड्स, एक मैं आपसे और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कल ही पता चली, मुझे उससे पहले उस चीज़ के बारे में नहीं पता था. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ को कि जो साउथ इंडिया की दिवाली है वो नॉर्थ इंडिया की दिवाली से एक दिन पहले सेलिब्रेट की जाती है. हमने यहाँ पर भी देखा ना अभी. ठीक है, तो साउथ इंडिया की दिवाली नॉर्थ इंडिया की दिवाली से एक दिन पहले सेलिब्रेट की जाती है, और दिवाली सेलिब्रेट करने का रीज़न्स भी नॉर्थ और साउथ में दोनों में डिफरेंस है. नॉर्थ इंडिया में जैसे लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ होमकमिंग ऑफ रामा आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ वनवास. ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया में ये रीज़न नहीं रहता. साउथ इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट करने का जो रीज़न होता है वो
होता है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा, उनका बिलीव है कि लॉर्ड कृष्णा ने दिवाली के टाइम पर एक डेमन को मारा था, जिसके लिए साउथ इंडिया में दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एक ही फेस्टिवल को पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन दोनों के सेलिब्रेशन के जो रीजंस हैं वो अलग अलग हैं। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे इससे पहले इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस बार ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, दिल्ली में भी इस बार इसीलिए पोल्यूशन लेवल जो है हाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कुछ दिन पहले देखा, जो फायर क्रैकर्स की सेल थी उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे थे कि इस बार जो है दिल्ली में इम्प्रूव्ड एयर कंडीशंस रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी आप देखें तो जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिल है, एयर की मूवमेंट नहीं हो रही। अब दिल्ली एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर उसको दोनों चीज़ों से नुकसान होता है। अगर जो एयर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा लो है तो भी उन्हें नुकसान होता है, और अगर सराउंडिंग रीजन में एयर स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो भी दिल्ली को नुकसान होता है। वो हमें पिछले साल के इंसिडेंसेस से पता चलता है। लास्ट ईयर दिल्ली हैड अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अनफेवरेबल वेदर। ठीक है, अब हम इस साल कह रहे हैं कि जो स्टॉर्म है वो स्पीड है वो कम है एयर की, पिछले साल स्पीड ज़्यादा थी, फिर भी दिल्ली में हम देखें पिछले साल तो 431 तक लेवल पहुँच गया था एयर क्वालिटी का। ठीक है, तो ऐसा क्या रीज़न था? क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड होती है एयर की तो जो नेबरिंग रीजन्स हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ का भी जितना पोल्यूशन होता है वो फ्लो करके दिल्ली के रीजन में आ जाता है। ठीक है ना, दैट बॉट इन पोल्यूशन फ्रॉम हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड एन एनॉर्मस क्रैकर इमिशन लोड फ्रॉम विद इन द सिटी दैट सॉ द एक्वाई रिकॉर्ड चार्ट बस्टिंग सिवियर लेवल्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो कवर हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, बटरफ्लाइज बिगेन माइग्रेशन इन वेस्टर्न घाट्स। अब इसमें क्या है हमारा, बटरफ्लाइज बिगेन माइग्रेशन इन वेस्टर्न घाट्स में, तो आपकी जो सीजनल बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। एक ये फैसिनेटिंग फिनोमिना है जो नेचुरलिस्ट देखते हैं कि जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं वहाँ से लेके वेस्टर्न घाट्स तक की मूवमेंट रहती है, और फिर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न स्लोप्स तक की मूवमेंट रहती है। सच मूवमेंट वॉज नॉट सीन इन द रीजन लास्ट ईयर ओइंग टू अनफेवरेबल क्लाइमेट, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो मानसून था वो काफ़ी पुअर रहा और क्लाइमेट कंडीशंस थी जो अनफेवरेबल थी, तो ये फिनोमिना देखने को नहीं मिल रहा था पिछले 2-3 साल में। तो इसको अब फिर से ये जो है वो रिवाइव हो गया है। अब जनरली क्या होता है, यूजली द माइग्रेशन इज़ बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर विद द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम प्लेन्स टू द घाट्स। ठीक है, जब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, प्लेन एरिया में बारिश होती है, जैसे हमने 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, नॉर्थ ईस्ट में मानसून जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो उस टाइम पे क्या होता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश वाला जो प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर आपकी बारिश होती है। तो उस टाइम पे वहाँ से बारिश से बचने के लिए जो ये बटरफ्लाइज होती हैं ये माइग्रेट कर जाती हैं आपकी वेस्टर्न घाट्स की तरफ। ठीक है, एंड ड्यूरिंग अप्रैल जून जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द घाट्स टू द प्लेन्स। अब साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, आपकी वेस्टर्न घाट्स में रेन होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे ये घाट से प्लेन्स की तरफ जो है बटरफ्लाइज माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये एक तरह का आपका सिंबल भी है, ये आपको शो करती हैं कि आपका जो मानसून रहा है वो अच्छा रहा है या बुरा रहा है। ठीक है ना, द माइग्रेटरी बटरफ्लाइज ब्रीड ऑन द घाट्स एंड देयर प्रोजेनी स्टार्ट रिटर्निंग टू द प्लेन्स इन अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में आपका साउथ वेस्ट मानसून से 2 महीना पहले ये वहाँ पर मूवमेंट शुरू कर देते हैं। दिस स्पेक्टेकुलर फिनोमिना हेल्प्स दिस स्पीशीज अवॉइड द एक्सट्रीम मानसून कंडीशंस। ठीक है, एक्सट्रीम मानसून कंडीशंस, क्योंकि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो एक्सट्रीम रेनफॉल जो है उसको नहीं बेयर कर सकती हैं, तो ये कंटिन्यूसली जो है ये माइग्रेट करती रहती हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑन बटरफ्लाई माइग्रेशन इन इंडिया इज स्टिल पैची, द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन हैव ओनली बीन गेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो हम सारा गेस कर रहे हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो घाट्स की तरफ और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो प्लेन्स की तरफ, ये अभी तक एक गेस है, अभी तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च स्टडीज़ नहीं की हैं और प्रॉपर हमने एक मैकेनिज्म जो है वो हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसमें चाहिए क्या, वॉट इज़ नीडेड इज़ अ केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड फ्रॉम अ गिवन एरिया। पूरी रिसर्च की जाए, उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए और उस पर प्रॉपर जो है आपके रिसर्च पेपर्स बनाए जाएँ, वो इंपॉर्टेंट है, तभी हम इनकी जो मूवमेंट है उसका एग्जैक्ट रीजन जो है वो समझ पाएंगे। उसके बाद GS2 देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 18 अक्टूबर के पेपर में भी एक आर्टिकल था, तो बात क्या हो रही है, अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो हम थीम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में भी डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डेंगू के रिस्पांस में क्या किया है, उन्होंने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया एक हर्बल कॉनोकेशन को। ठीक है, एक हर्बल मेडिसिन को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया जिसका नाम है आपका नीला बिम्बू क्यूडिनर। ठीक है, इस
उसको सीधा सिस्टम के अंदर जो है इस मेडिसिन को डेवलप किया गया है, ठीक है। आपकी एक हर्बल मेडिसिन है, आपकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर डेवलप किया है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वहाँ की पॉपुलेशन को ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उन गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो हर्बल मेडिसिन है नीलवेम्बू क्यूडिनल, ये जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है टू डेंगू, ठीक है। तो वहाँ पर ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या डिस्कस किए गए हैं, एक तो हर्बल मेडिसिन है तो लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो लैक करते हैं, दूसरा साइंस ऑफ डेवलपिंग ड्रग्स फ्रॉम मेडिकल प्लांट इज कॉम्प्लिकेटेड। आसान काम नहीं है कि आप मेडिकल प्लांट से मेडिसिन बना सकें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है ना। हर्बल रेमेडीज आर अ मिक्स ऑफ सेवरल कंपाउंड। जब आप देखें तो अगर आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें बोला जाता है कि ये हमने मिक्स करके बनाया है, रोज पेटल ये वो 50 तरह के प्लांट आपको गिना देते हैं कि ये सब मिक्स करके हमने बनाया है। तो देख रहे हैं कि आप जो हर्बल रेमेडीज है, हर्बल मेडिसिन है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स को मिक्स करके बनाया जाता है, तो एक प्रॉब्लम बन जाती है आपके लिए, क्योंकि मिक्स जो है वो क्रिएट करना वो इजी जॉब नहीं होता है। जहाँ आप दूसरी तरफ अगर देखें मॉडर्न मेडिसिन जो है आपकी एलोपैथी मेडिसिन है वो ज़्यादातर अब सिंगल कंपाउंड पे रिलाई करती हैं ज़्यादातर जो आपकी मेडिसिन है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट द कंपाउंड इन अ हर्ब दैट एक्ट्स अगेंस्ट एन इलनेस वेरीज अक्रॉस प्लांट्स। अब क्या होता है, आपने एक प्लांट से उसका एक्सट्रैक्शन किया एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्या पता उस प्लांट में दो सेम प्लांट्स हैं आपके पास, एक प्लांट में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कम हो और दूसरे प्लांट में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो, ठीक है, होंगे दोनों में लेकिन एक में क्वांटिटी कम हो सकती है दूसरे में क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्योर मिक्स बनाया कि नहीं। तो ये हर्बल मेडिसिन की एक और प्रॉब्लम है। अब इसके लिए सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सोल्यूशंस एक तो ये हो सकते हैं, ड्रग मेकर्स हैव टू फाइंड अ वे टू आइडेंटिफाई दिस इंग्रेडिएंट। ड्रग मेकर्स को प्रॉपर इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करना हो, ये नहीं कि भाई इस प्लांट से हमें मेडिसिन मिल जाती है डेंगू के लिए, उस प्लांट में ऐसा क्या मटेरियल है जिससे डेंगू के लिए मेडिसिन मिलती है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एंड टू टेस्ट इट इन अ लार्ज स्केल ट्रायल्स। लार्ज स्केल ट्रायल्स की ज़रूरत है। अब आपने छोटे से दो चार पाँच दस लोगों पे ट्रायल कर लिया, ठीक है, उन पे थोड़ा सा इफेक्ट दिख गया आपको, आपने कहा ये मेडिसिन तो वाह कमाल है एकदम जादू मिरेकल कर देती है, तो ऐसा नहीं होता, आपको उसको लार्ज स्केल पॉपुलेशन पे जो है टेस्ट करना पड़ेगा। दिस एक्सरसाइज रिक्वायर्स नॉट ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की भी रिक्वायरमेंट है, कि ऐसा नहीं है कि आप को अपने दिल पे ले जाओ कि यार मैंने मेडिसिन बनाई थी लेकिन लार्ज स्केल पे तो ये नहीं शो कर रही है, तो आप झूठ मूठ बोल दो कि यार चल कोई बात नहीं चलती है हर्बल मेडिसिन है और आप उसको आयुर्वेद के नाम पे बेचते जाओ, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। द रिस्क ऑफ पेशेंट्स हु नीड मेडिकल अटेंशन सच एज दोज विद डेंगू हेमोरेजिक फीवर ऑप्टिंग फॉर दिस ड्रग इंस्टेड ऑफ रशिंग टू अ हॉस्पिटल शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अब क्या होता है, सरकार अगर ऐसी चीज़ को प्रमोट करती है तो गरीब आदमी तो वैसे ही कहेगा यार चल हस्पताल क्यों जाना, सरकार ये मेडिसिन बोल रही है ले लेते हैं, फ्री में दे रही है ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनकी जो चांसेज ऑफ डेथ होते हैं, चांसेज ऑफ प्रोलॉन्ग डिजीज होता है वो बढ़ जाते हैं। तो सरकार को जब तक प्रॉपर ट्रायल्स नहीं होते और प्रॉपर उस पर रिसर्च नहीं होता तो इन जो ड्रग्स हैं ऐसे ड्रग्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब द हिंदू में एडिटोरियल में तो सिर्फ सरकार के बारे में गलत गलत लिख देते हैं कि भैया सरकार तो बिल्कुल बेवकूफ़ है और ऐसे ही मेडिसिन बांटनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता, सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा होगा तभी वो ऐसे फ्री में मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हम ऐसा, ये जो हिंदू वाले कह रहे हैं कि तुमने रिसर्च तो करते नहीं और तुम ऐसे ही मेडिसिन फ्री में बांटे जा रहे हो, तो उनका कहना है कि हम पूरे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो शेयर करने को तैयार हैं, जो हमने नीलवेम्बू मेडिसिन डेवलप की है इसमें प्रॉपर रिसर्च पेपर्स जो हैं उसको शेयर करने को तैयार हैं। ये ऐसा बोला है वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने, तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं जे राधाकृष्णन, इनका कहना है। राधाकृष्णन जी का ये भी कहना है कि नीलवेम्बू हैज़ बीन यूज इन वेरियस नेशंस इंक्लूडिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, कह रहे हैं हम कोई पहले नहीं हुए भैया, और भी कंट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है अंडर डिफरेंट नेम्स टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेनली ये मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि किसी को डेंगू हो गया तो उसको ये दवाई दे दो तो वो डेंगू ठीक हो जाएगा उसका, ये मेडिसिन आपकी है प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करने के लिए डेंगू, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेंगू से, ठीक है। देर आर ओवर 40 रिसर्च पेपर्स दैट वाउच फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग नीलवेम्बू, ठीक है, हमने हवा में कोई तीर नहीं चलाया भैया, हमारे पास कम से कम 40 रिसर्च पेपर्स हैं इस पे, ठीक है। इन एडिशन द किंग्स इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद हैड रिलीज्ड देयर फाइंडिंग्स, और सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अपनी फाइंडिंग्स रिलीज की हैं। At the same time, allopathic treatment is in alignment with WHO protocol and both are being administered simultaneously. अब हिंदू के एडिटोरियल्स ने तो कह दिया कि भैया ये तो सरकार तो सिर्फ ये नीलवेम्बू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो
गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ में जो WHO रिकमेंडेड और WHO प्रोटोकॉल के द्वारा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना चाहिए वो हम वो भी कैरी ऑन कर रहे हैं, और ये नीला बेम्बू सिर्फ हम लोगों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर विलिंग टू शेयर द रिसर्च पेपर्स फाइंडिंग्स टू ऑल कंसर्न्ड, ठीक है, हम अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इशू शेयर करने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन सेड। कास्टिंग एस्पर्शंस एंड कन्फ्यूजन पीपल ऑन द यूटिलिटी ऑफ नीलाबेम्बू मे अफेक्ट देयर चांसेस ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट फीवर। अब इनका ये कहना है कि भैया तुमने इतना मतलब लिख लिख के लोगों को वैसे डरा दिया है, तो अगर वो नीलाबेम्बू ले भी लेंगे तब भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो इस पर आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुषमाज फेस्टिवल गिफ्ट मेडिकल वीज़ास, तो जो हमारी इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है कि इंडिया वुड ग्रांट मेडिकल वीज़ास इन ऑल डिजर्विंग केसेस दैट वर पेंडिंग। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से जो भी मेडिकल वीज़ास पेंडिंग थे, जो लोग हिंदुस्तान में आके अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनके अगर उन्होंने वीज़ा के लिए अपनी कंट्री में इंडियन एम्बेसी में अप्लाई किया होगा कि भैया हम तुम्हारे देश में आके हिंदुस्तान में आके इलाज कराना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे वीज़ाज ऐसे पेंडिंग थे। तो सुषमा स्वराज जी का कहना है कि जो ऐसे वीज़ाज जो डिज़र्व करते हैं और जो जेन्युइन है उनको हम अलाउ करेंगे कि वो आ सकें इंडिया में और अपना जो है इलाज करा सकें। ठीक है, और पाकिस्तान नेशनल्स की भी काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो उसको भी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अप्रूव करने के लिए कहा है एज अ गुड जेस्चर। वैसे ही अगर हम देखें, ऑन वेडनेसडे शी डायरेक्टेड द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद टू इशू वीज़ा टू अ पाकिस्तानी चाइल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। देखें आप कितना गुड जेस्चर सरकार ले रही है। हम पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि इंडिया वाले एफर्ट नहीं करते, इंडिया वाले एफर्ट नहीं करते, और ये देखिए कि हम कितना एफर्ट हम गुड फेथ में कर रहे हैं। इंडिया में भी आपको काफ़ी लोग ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे कि बस पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक कर दो। ऐसा नहीं है, हम लोगों को ज़िंदगी देने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम पीस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम बेगुनाहों को मारने वाले लोगों में से नहीं है कि भैया चलो उन पे मिलिट्री एक्सपीडिशन लेके चलो और पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लो। ऐसे जो न्यूज़ चैनल हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं कि इंडिया के पास ये मिज़ाइल है, हम पाकिस्तान को 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम ये सब बिलीव नहीं रखते हैं। हाँ, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी इंपैक्ट हो रही है तो हम ऐसे एक्सट्रीम एक्शंस लेने से नहीं हटेंगे, लेकिन हमें अभी सिर्फ ह्यूमैनिटी को हम नज़र में रखते हैं। ठीक है, जब तक एक्सट्रीम कंडीशंस ना आए ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जो पाकिस्तान नेशनलिस्ट हैं हम सब को उनको टेररिस्ट की नज़र से देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज़ जब आप अपने जीएस मेंस के आंसर लिखोगे तब आपके आंसर्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आप एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो कि इंडिया कैसे अपना गुड जेस्चर दिखा रहा है अपने नेबरिंग नेशंस को। इन अनदर ट्वीट ऑन वेडनेसडे मिसेस स्वराज सेड अ मेडिकल वीज़ा हैड बीन अप्रूव फॉर अ पाकिस्तानी वुमेन हु वॉन्टेड टू अंडरगो लाइफ सर्जरी इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे अभी रिलेशन अच्छे नहीं है तो वहाँ के लोगों को हम मेडिकल वीज़ा नहीं देंगे, हमें क्या है मरें जहाँ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोदी मार्क्स दीपावली विद जवान्स नियर LOC, स्पेंडिंग टाइम विद आर फोर्सेज गिव्स मी न्यू एनर्जी, सेंटर इज कमिटेड टू वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज से प्राइम मिनिस्टर। तो ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने डाल दिया है कि ठीक है मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे मतलब गुड फेथ में काम कर सकती है। आप देख रहे हैं कि 4 साल से प्रधानमंत्री जो दिवाली है वो जवानों के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए ये कि दिस इज़ द 4th ईयर इन अ रो दैट मिस्टर मोदी हैज चूजन टू सेलिब्रेट दीपावली विद जवान्स। इन 2014 ही स्पेंड द डे विद द फोर्सेज एट सियाचिन इन श्रीनगर। 2015 ही विजिटेड जवान्स इन अमृतसर एट द डोगरा वॉर मेमोरियल। लास्ट ईयर इट वॉज विद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जवान इन हिमाचल प्रदेश। और इस साल मोदी जी कहाँ गए थे, इस साल मोदी जी गए थे जवान से मिलने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, गुरेज वैली है आपकी कश्मीर में, ठीक है, बंदीपुरा में, तो वहाँ पर मोदी जी ने इस बार जो है अपनी दिवाली जो है सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान आर बोथ इम्पॉर्टेंट टू US पॉलिसी। तो टिलरसन जो US के मिनिस्टर हैं जो अभी इंडिया में आने वाले हैं, इंडिया में और पाकिस्तान में उनकी विजिट है, ठीक है, तो उन्होंने अब कुछ बातें बोली हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मिस्टर टिलरसन हु विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान नेक्स्ट वीक सेड बोथ कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। कि भैया हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों इंपॉर्टेंट हैं इन US पॉलिसी फॉर स्टेबिलाइजिंग साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को तो उन्होंने बोल दिया कि दोनों ज़रूरी हैं भैया स्टेबिलाइज करने के लिए, लेकिन उन्होंने चाइना का जिक्र भी कर दिया कि चाइना जो है वो डिस्टेबिलाइजिंग फोर्स है साउथ एशिया में। ठीक है, टिलरसन साहब का कहना है कि चाइनाज प्रोवोकेटिव एक्शन इन साउथ चाइना सी
डायरेक्टली चैलेंज द इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स दैट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड फॉर. ठीक है, साउथ चाइना सी में जो थोड़ी दादागिरी दिखाता है कि भैया इंटरनेशनल बॉडी ने भी कह दिया कि यहाँ पर फिलीपींस का राज है, फिर भी चाइना कह रहा है कि हम तो नहीं मानते, तो उस चीज़ों को, क्योंकि इंडिया जो है कंटिन्यूसली अपनी प्रेस स्टेटमेंट्स में बोलती रही है इंडियन गवर्नमेंट कि हम जो है वो इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो बोल रही हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल लॉज की बाकी कंट्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि चाइना जो है वो ऐसे इंटरनेशनल लॉज को जो है वायलेट कर रहा है. रिपीटेडली रेफरिंग टू इंडियाज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मिस्टर टिलरसन ऑल्सो रेफर टू इंडियाज मुस्लिम माइनॉरिटीज़. ठीक है, तो टिलरसन साहब ने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में भी कहा कि भैया कुछ 170 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं हमारे देश में. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की हमारी कंट्री में. उसके बावजूद हमारी जो कंट्री है उस कंट्री में से काफ़ी कम लोग रहे हैं जिन्होंने आईएस फोर्सेस को जाके ज्वाइन किया है, और ये जो है हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ को शो करता है, हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसको शो करता है, ऐसा जो है टिलरसन साहब का कहना है. बाकी जब ये हिंदुस्तान आएंगे तब हम देख लेंगे. आज दोस्तों इतना ही था, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कुछ खास खबरें थी नहीं बिकॉज दिवाली थी. ठीक है, तो सरकारी दफ्तर वगैरह सब बंद रहते हैं, तो इस वजह से अपने पास कुछ खास खबरें थी नहीं. जितनी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपके लिए कवर कर दी हैं. ठीक है, बाकी हम कल देख लेंगे कि आपने लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है. दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उससे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर देना. आपको रेगुलरली जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी. दूसरी चीज़ जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्रीलिम्स क्विज़ जो है आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, कहाँ कमी है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है दोस्तों, अभी तक मैं 9 वीडियोस डाल चुका हूँ. आज या कल में मैं आपको अराउंड 50-60 क्वेश्चंस और देने वाला हूँ पॉलिटी रिलेटेड. ठीक है, तो आप से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को आप जरूर देखें और कंटिन्यूअसली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें. थैंक यू वेरी मच.